हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, होप्स आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिनशेक परफ्यूम के बारे में और इसका रिव्यू करेंगे। और इसका बॉक्स इस टाइप का है, काफ़ी डिसेंट, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है। और बॉटल भी काफ़ी हैवी है। ये मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है दोस्तों, और इनकी पैकेजिंग वाकई में बहुत अच्छी होती है। इसकी बॉटल जो है, ये 90 ml की बॉटल है और इसमें लिखा है 45% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, यानी बहुत ही ज़्यादा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ऑयल है। तो दोस्तों, मैंने इसके परफ्यूमर के बारे में जानने की कोशिश की थी कि इसके परफ्यूमर कौन है, और वेबसाइट पे भी मैंने ट्राई किया, चेक किया, वहाँ पर भी कहीं मेंशन नहीं था। और फ्रेग्रेंटिका पे भी मैंने चेक किया, वहाँ पर भी कहीं पे भी मेंशन नहीं था। ब्रांड ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि इसको किस परफ्यूमर ने क्रिएट किया। बहरहाल, हम अभी इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, तो ये एक फ्लोरल, स्वीट, ऊद, बखूर, वुडी और मिडल ईस्टर्न, पूरा मिडल ईस्टर्न वाइब इसके अंदर रखा है। एक स्वीट एलिमेंट है जो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस, बहुत ही डिफ्यूजिव, बहुत ही हाई प्रोजेक्टिंग, एरी, जिस टाइप की मुझे परफ्यूम लगाना पसंद करता हूँ मैं, जिस टाइप की परफ्यूम बनाना भी मैं पसंद करता हूँ, उसी टाइप की ये इसकी सेंट प्रोफाइल है। काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा था कि इसको मैं रिव्यू करूं जल्द से जल्द। काफ़ी टाइम इसको लग गया वीडियो बनाने में, क्योंकि टेस्टिंग में थोड़ा टाइम जा रहा था। मैंने सोचा कि बगैर टेस्ट किए ऐसे ही नहीं कुछ भी बोलना है, और इसको टेस्ट कर प्रॉपरली एक अच्छा रिव्यू बनाना है। तो दोस्तों, इसकी फ्रेग्रेंटिका में जो नोट्स है वो है रोज़, ओक मॉस, सैफ्रॉन, सिट्रस, लेवेंडर, बखूर, शुगर, जैस्मिन, ऑर्किड, वॉयलेट, अगरूद, एम्बर, पचुली, मस्क और एम्ब्रोक्सन का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, इसको एक बार स्प्रे करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर रॉ मटेरियल का क्या इस्तेमाल किया गया है, उसको ज़रा हम चेक करते हैं। स्प्रेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है बकरत रोज 540 और ओथ फॉर ग्रेटनेस, दोनों का एक कॉम्बिनेशन मुझे लगता है। जब भी मैंने इसको इस्तेमाल किया था तभी भी मुझे वही वाइब आई थी, और ओथ फॉर ग्रेटनेस बहुत ही ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा था इसमें, और ओथ फॉर ग्रेटनेस अभी भी मुझे ज़्यादा जो है ओथ फॉर ग्रेटनेस की तरफ ये मुझे इसकी वाइब आती है। और मुझे ये लगता है कि जिस परफ्यूमर ने इसको क्रिएट किया है उसको ये पता था कि वो उसको क्या बनाना है, और उसने किस तरह इसके रेशो को, यानी अगर वो दोनों सेंट को, बकारेट 540 और ओथ फॉर ग्रेटनेस को, इनिशियो का जो आता है उसको अगर ब्लेंड करना है, तो उसको प्रॉपरली पता था कि इसको किस तरह बैलेंस करना है, किस तरह ब्लेंड करना है। जिसने भी बनाया है बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। एक मिडिल ईस्टर्न वाइब देता है, एक वुडी, वूड और सारी चीज़ें आ रही है यार, स्पाइसेस। बहुत 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 अच्छा सेंट प्रोफाइल है इसका, मुझे बहुत पसंद आया है। और परफॉर्मेंस तो ऑफकोर्स इसकी ज़्यादा होगी ही, क्योंकि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और हाई परफॉर्मेंस और हाई डिफ्यूजिव रॉ मटेरियल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल है वो इथाइल माल्टोल है, जो चीनी की तरह स्मेल करता है, एकदम चीनी की तरह, शुगर की तरह स्मेल करता है। अगर आपको इस टाइप के नोट्स नहीं पसंद है तो हो सकता है इससे आपका सर भी दर्द दे, क्यों बहुत देर तक अगर ये लीनियर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेन नहीं होती है, ट्रांजैक्शन नहीं है, और लीनियर है और स्वीट है, इसी तरह की वाइब लास्ट तक आती रहती है। तो अगर आपको स्वीट ज़्यादा फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है तो शायद आपका इससे सर भी दुख सकता है, बट अगर जिनको पसंद है तो वो उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके अंदर जिरेनिल एसीटेट, लिनेलिल एसीटेट का भी इस्तेमाल किया गया है, और भी काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल है दोस्तों, और कैफेलिस, इसमें कैशमेरान, कैफेलिस, वर्टोफिक्स, जितने भी वुड के एलिमेंट है, रॉ मटेरियल्स आते हैं, एरोमा केमिकल्स होते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया गया है। पचोली का इसमें इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं गाइकवुड का इसमें इस्तेमाल है,
लिनालोल और सिनेमल एल्डिहाइड का इसमें इस्तेमाल मुझे कहीं ना लग रहा है, जो एक स्पाइसी क्लोव का यूजिनॉल का इस्तेमाल मुझे आ रहा है कि लग रहा है कि यूजिनॉल का इसमें इस्तेमाल है, जो एक स्पाइसी स्पाइसी और लिफ्ट कर रहा है, पूरी परफ्यूम को लिफ्ट दे रहा है। और एम्ब्रोक्सन तो ऑफकोर्स मेंशन भी किया गया है, और एम्ब्रोक्सन तो ऑफकोर्स इसमें है। ऑयल कॉन्सेंट्रेशन तो देखिए कि इसके अंदर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। देखिए मेरा पूरा हाथ जो है ना, ये पूरा ऑयल से हो गया है। तो मेरे फाइनल थॉट इस सेंट के बारे में है, अगर आप एक मिडल ईस्टर्न वाइब ढूंढ रहे हैं, ऊद और स्पाइसी ओरिएंटल ऊद की या स्वीट वुडी और एक शेक टाइप की जो सेंट, शेक लोग लगाकर जो घूमते हैं उस टाइप की सेंट प्रोफाइल अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ज़रूर लें। बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इसकी सेंट प्रोफाइल भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है। आपको ये अनॉय नहीं करेंगी या परेशान नहीं करेंगे। अगर आप इस टाइप की सेंट लगाना पसंद करते हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड है। और अगर आपका बजट भी 6000 से 7000 के करीब है तो आप इसको ज़रूर लें। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंड है, इसकी पैकेजिंग से लेके इसकी सेंट प्रोफाइल, इसके अंदर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन, इसकी बॉटल, सारी चीज़ों को मैं इसको 10 out of 10 रेटिंग दूंगा। ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप परफ्यूम और अतर से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।